Today I am going to tell you how to find the lost or stolen phone. Take help of Google Find My Device. During installation of Android phone, when you enter a Google ID, same time Google Find My Device feature activate itself and you can see it in the security of the phone. जैसे ही आप कोई Android device को install करते हैं और उसमें Google ID डालते हैं, वैसे ही Google Find My Device feature activate हो जाता है, जो आपको protection देता है. How it work to locate the lost phone? You have to go the site http://www.google.com/android/find. यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही आप login by the same email ID which you use in lost phone. जो phone आपका खोया है उसकी email ID को मैं लॉगिन करिए, जिस ईमेल आईडी से उस फोन को लॉगिन किया था. यू विल सी द फोन लास्ट लोकेशन. आप फोन के लास्ट लोकेशन को देख पाएंगे. व्हाट फीचर यू विल गेट, और यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं. प्ले साउंड ऑप्शन, यू कैन रिंग द बेल टू सी द नियर बाय लोकेशन. अपने फोन की बेल बजा करके उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं कि कहाँ पे है. सिक्योर डिवाइस, इट विल गिव यू अ फैसिलिटी टू लॉक योर डिवाइस एंड कैन साइन आउट योर डिवाइस. आप अपने लॉक भी कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द मैसेज ऑन लॉस्ट फोन इफ यू थिंक, देन यू कैन गेट योर फोन, देन यू कैन गिव योर अनदर फोन नंबर सो द पर्सन कैन कॉन्टेक्ट यू. अगर आपको लगता है कि पास ही में है और कोई फोन दे भी सकता है, कहीं गिर गया है, तो आप उसमें मैसेज भी डाल सकते हैं और अपना दूसरे फोन का नंबर दे सकते हैं, जिससे वो आदमी आपसे कांटेक्ट करके आपका फोन दे दे. लॉक डिवाइस, दो यू कैन लॉक योर डिवाइस बट स्टिल यू कैन सर्च योर डिवाइस. आप अपना डिवाइस को लॉक तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डिवाइस को सर्च कर सकते हैं. इरेज डिवाइस, वंस यू इरेज योर डिवाइस देन इट विल डिलीट ऑल डेटा एंड सेटिंग ऑफ योर फोन. Then you cannot locate your device on map. अब अंत में जब आपको ये लगता है कि अब डिवाइस नहीं मिलेगा और आप उसको इरेज कर देते हैं डेटा को और उसकी सेटिंग को, तब आप मैप पर उस फोन को नहीं देख सकते. How to find a lost stolen phone using IMEI number? अब दूसरा मेथड है कि IMEI number को यूज करके हम फोन को लोकेट कर लें. Request for blocking lost stolen mobile to CEIR, Central Equipment Identity Register. अब हाँ, उनसे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हम CEIR से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा फोन ब्लॉक कर दीजिए, खो गया है या चोरी हो गया. द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइल अ रिपोर्ट विद द पुलिस अबाउट द लॉस्ट और स्टोलन फोन एंड टू कीप अ कॉपी ऑफ अ फोन ऑन द रिपोर्ट. और रिपोर्ट करके उसकी एक कॉपी आप अपने पास पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद रख लीजिए. देन कॉन्टेक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर टू इशू अ डुप्लीकेट सिम कार्ड. अब सर्विस प्रोवाइडर से आप कहिए कि भाई डुप्लीकेट सिम कार्ड दे दीजिए. देन यू रिक्वेस्ट द ब्लॉकिंग ऑफ IMEI नंबर, यू विल गेट एन OTP ऑन दिस नंबर. अब जब आप उसको ब्लॉकिंग का रिक्वेस्ट करते हैं तो IMEI नंबर ऑफ द IMEI नंबर को ब्लॉक करने को कहते हैं, तो इट विल गिव यू अ OTP नंबर. विजिट द HTTP CEI गवर्नमेंट इन रिक्वेस्ट CEIR use block request direct.jsp for blocking the IMEI and attach the required document. You will need a copy of police report, identity proof, purchase invoice and other details. अब उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पुलिस की रिपोर्ट की, आइडेंटिटी प्रूफ की और जिस फोन को परचेज करते समय जो इनवॉइस आपको मिली थी उसको देना पड़ेगा. और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2 अगर डुअल सिम है तो भरना पड़ेगा. डिवाइस का ब्रांड भरना पड़ेगा, डिवाइस का मॉडल भरना पड़ेगा और उसको परचेज इनवॉइस को लेकर के और उसको फाइल को अटैच करके आपको अपलोड कर देना पड़ेगा. जब आप अपलोड कर दीजिएगा, यू विल गेट एन OTP ऑन द नंबर दैट यू एंटर्ड. This should be the same number which was active on the phone before it got lost. आप क्योंकि दूसरी सिम ले चुके हैं तो आपको उस पे OTP मिलेगा. You will then
be given a request ID and you can check the status of a request or to unblock the IMEI if required in future. अब आपको एक request ID मिलेगा जिसके थ्रू आप जब फोन आपको मिल जाता है तो आप उसको अनब्लॉक कर सकती हैं फ्यूचर में. तो अनब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट आईडी भरिए, मोबाइल नंबर भरिए और ओटीपी भरिए तो आपका फोन अनब्लॉक हो जाएगा. अनब्लॉक तभी करिए जब आपका फोन मिल जाए. व्हेन यू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन द नेटवर्क ऑपरेटर विल शेयर द डिवाइस आईएमआई नंबर एज अ ब्लैक लिस्टेड टू सेंट्रल डेटाबेस एंड अदर ऑपरेटर will also ban the device so that it doesn't work on any network even if the SIM card is removed or replaced. अब IMEI number जब आपको दे दिए block कर दिया जाएगा तो SIM card अगर हटा भी दिया गया तब भी वो काम नहीं करेगा. This new initiative from the Department of Telecom has a huge potential and will hopefully help a lot of users. अब IMEI के थ्रू आप जब उसको ब्लॉक कर देते हैं तो कोई आपका फोन नहीं यूज कर पाएगा जब तक कि आपके पास वो नहीं आ जाता. और जब आपके पास आए तो रिक्वेस्ट आईडी भर के ओटीपी डाल दीजिए तब आपका फोन अनब्लॉक हो जाएगा तो जिससे आपका फोन फिर से काम करने लगेगा. सो इस तरह से आप अपने फोन को फाइंड आउट कर सकते हैं. दीज आर द टू मेथड through which you can find out your phone and able to work again for on the same mobile. Thank you viewer, if you like it this please share and subscribe to your friends and in your circle. Thank you.